जेएनयू मामले पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। जेएनयू के छात्रों को लोहे की रॉड डंडों से पीटा गया है। छात्रों पर नकाबपोश गुंडों ने हमला किया है। वहीं गुंडों ने छात्रों के हाथ पैर तोड़े हैं। तो ये तमाम तरह के आरोप यहां पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से लगाए गए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली पुलिस इस दौरान मूक दर्शक बनी रही है। तो देश में लोकतंत्र कानून का शासन नहीं बचा है और छात्रों को राजनीति का मोहरा ना बनाया जाए, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। इसके साथ इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के सामने एम्बुलेंस को तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को गठघरे में लाकर खड़ा किया गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से और ये तमाम बयान उनके यहां पर साफ नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को पूरा नहीं करा है और उनकी कार्यप्रणाली सवालों के घेरे पर है। जिस प्रकार से हिंसा का नंगा तांडव कल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सरकारी संरक्षण में हुआ, जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी के गेट को बंद कर सारी लाइटें बंद कर लड़कियों के हॉस्टल पर आक्रमण बोला गया, जिस प्रकार से साबरमती हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल, पेरियार हॉस्टल और आधा दर्जन और हॉस्टल्स में जाकर गुंडों द्वारा लाठियों, लोहे की रॉडों, शीशे की बोतलों, छात्र है उनको किसने पीटा, ये पिछले 3 दिन से चल रहा था और कल तो बाहर से लोग आकर विद्यार्थी परिषद के और बाकी भी कार्यकर्ताओं को पिटाई की है, सामान्य छात्रों की भी। तो ये सब जांच होना चाहिए। दूसरी भी कोई हिंसा जो भी हुई है उस सभी हिंसा की जांच होनी चाहिए और अमित जी ने तुरंत आदेश दिया है, पुलिस सक्षमता से करेगी ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन जानबूझ के एक ही रात में तुरंत 10 मिनट में योगेंद्र यादव वहाँ पहुँचते हैं, बाकी सब लोग पहुँचते हैं, ये क्या कैसे होता है ये भी तो समझने की चीज़ है। तो ये जानबूझकर विश्वविद्यालयों में अशांति निर्माण करने की एक कुछ लोगों की साजिश है, उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए।